हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग का पुरी में थर्ड डे है और पुरी में आए और जगन्नाथ में नहीं जाए ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, सुबह का 5:30 बजा है और हम लोग अभी जगन्नाथ मंदिर में जा रहे हैं। तो क्या क्या मैं देखूंगी, कैसे दर्शन करूंगी, ये मैं आप लोग से शेयर करूँगी। जहाँ जहाँ कैमरा ले जाना अलाउ है, जितना दिखा सकना होगा सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग भी रेडी हो जाती जल्दी से मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप लोग स्वर्ग द्वार में रुके हैं और भारत सेवा आश्रम के सामने से जो रास्ता जा रहा है वहाँ से जगन्नाथ मंदिर का रास्ता 10 मिनट का ही है। आप चल के भी आराम से जा सकते हैं, जैसे कि हम लोग चल के जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर में। तो चलिए आगे आप लोगों को दिखाती रहती हूँ मैं। तो देखिए मैं कितने सामने आ गई हूँ, तो इस तरह से दूर से दिखाई देता है जगन्नाथ धाम। आपको बताना चाहूँगी जो जगन्नाथ धाम है इसके 4 द्वार है। तो ये साउथ गेट है, ये देखिए एकदम सामने। सामने 2 घोड़ा है, तो ये देखिए ये है साउथ गेट का व्यू। कुछ इस तरह मैं आप लोग को एकदम क्लोजली दिखा रही हूँ। ये है पार्किंग स्टैंड है, आप अगर बाइक से आते हो तो यहाँ पर आप लोग बाइक पे रख सकते हो, इस तरह का सुविधा करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर है जूता रखने का जगह, तो यहाँ पर हम लोग सब अपना जूता रख के जाएंगे। आप लोगों को अपना बैग मोबाइल सब यहाँ पर रख के जाना पड़ेगा मंदिर में दर्शन करने के लिए। लाइन में लग गए हैं बैग और अपना जूता देने के लिए और मोबाइल फोन यहाँ जमा कर देते। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पर किस तरह का बैग मिलता है। लोगों को इस तरह का बैग मिलेगा, तो इस बैग में आप लोगों का मोबाइल जूता अपना बैग सब इधर रख देना। दर्शन करना खत्म हो गया है और हम लोग ने यहाँ से प्रसाद और सिंदूर लिया है। प्रसाद आप अपनी क्षमता के अनुसार आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, जो जितना चढ़ा सकता है। 200 से स्टार्ट होता है, 1200 तक है प्रसाद, आपको जैसा चढ़ाना जितना है। और फिर निकल के हम लोग यहाँ से निकल के गेट से निकल के हम लोग ने जूता लिया है काउंटर का से, तो वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कहाँ से जूता लेना है। तो इस तरफ से हम निकल के आप लोगों को जूता मिलना है, मतलब एक तरफ से जमा होता है, दूसरी तरफ से 10 बजे के जूता बैग मोबाइल सब आप लोगों को मिलेगा। पर अपना बैग जूता जमा कर देने के बाद आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा और यहाँ पर लाइन लगता है, मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर लाइन लगा हुआ है, यहाँ पर आप लोग धीरे धीरे लाइन में लग कर आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप जितना जल्दी हो सके आइएगा, जैसे हम लोग सुबह 5:30 बजे निकले थे और हम लोग का अभी तक खत्म हो गया, अभी करीब 7 बज रहे हैं, हम लोग ने पूरा दर्शन कर लिया है, खत्म हो गया। आप लोग देख सकते हो कितना भीड़ लगा हुआ है। तो आप मेरे हिसाब से आप लोग को जितना जल्दी हो आप लोग आइएगा यहाँ पर। इतना भीड़ है तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर आप लोगों को आना है यहाँ पर तो जल्दी जल्दी आए जितना हो सके। जैसे हम लोग आए थे वैसे ही आप लोग जल्दी आई। देखिए हजार लोग अभी फिलहाल लाइन में, जब मैंने सुबह जब आई थी तब पूरा खाली था। तो चलिए आगे आप लोगों को दिखाती हूँ मैं अच्छी तरह से। ये देखिए आप लोग यहाँ से लाइन लगने के आने के बाद यहाँ पर पुलिस आपका चेक करेंगे, चेक करने की आपके पास कोई मोबाइल की कमरे का चीज़ नहीं है। चेक करने के बाद आप लोग यहाँ पर आके अपना पहले हाथ धोएंगे, इधर हाथ धोएंगे, फिर यहाँ पर आपको पाँव धोना पड़ेगा। पाँव धोकर ही आपको यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करना पड़ेगा, तो यहाँ से ही प्रवेश किया जाता है। देखिए अंदर सब जा रहे हैं। अंदर पूरे सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है, अगर आप अंदर अगर छुपा के अपने लेके जाते हैं तो आप लोगों को 1000 रुपीज़ फाइन लगेगा। आप
लोगों को स्वागत गेट के सामने आप लोगों को हनुमान का मंदिर मिलेगा। तो देखिए बहुत बड़ी हनुमान की मूर्ति है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी फिलहाल पूजा चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जगन्नाथ जो मंदिर है वो केवल ऐसा मंदिर है भारत में जिसमें हिंदुओं को ही आना प्रवेश है करना, और कोई धर्म के लोग आ नहीं सकते इस मंदिर में। सिर्फ ये हिंदुओं का मंदिर है। तो चलिए मैं आप लोगों को और दो गेट जो रह गया वो भी दिखा देती हूँ। मंदिर के बाहर इस तरह जगन्नाथ जी का भोग का प्रसाद मिलता है, तो आप चाहे खरीद के अपने घर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ 20 रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का है, है? तो आप लोग चाहे तो आपको जैसा चाहिए वैसे तरह का प्रसाद आप लोगों को मिल जाएगा। मंदिर के बाहर इस तरह का पूरा लगता है, आप खरीद सकते हो, पूरा छोटा छोटा दुकान लगा है। तो आप लोग भी चाहे तो अपने घर के लिए यहाँ से जगन्नाथ जी का फोटो मूर्ति सब लेकर जा सकते हो घर में। तो ये है मेन द्वार जो कि मैं आप लोगों को एकदम पास से दिखा रही हूँ। तो इस तरह का लुक है चारों तरफ का। तो आप लोगों को मैंने बाहर से जितना हो सके सब कुछ शेयर किया। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए जगन्नाथ के नाम पर। मिलती हूँ कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।